नमस्कार, वरदान इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। कृषि हरियाली संस्था प्रमुख के अनुसार देश में बाल अपराधों की बढ़ती संख्या देश व समाज के भविष्य के वजूद पर खतरा। पिछले कुछ वर्षों में हमारे देश में बच्चों में आपराधिक प्रवृत्ति में आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि हुई है, जो अत्यंत चिंता का विषय है। बाल अपराधों की बढ़ती संख्या हमारे देश के भविष्य के लिए खतरे का संकेत है। बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं और समाज की नींव हैं। इन्हें संस्कारवान, सच्चरित्र और सुदृढ़ बनाने का दायित्व परिवार, समाज और सरकार का है। लेकिन सरकारी सामाजिक कमजोरियों और सरकार का ध्यान इस ओर न होने के चलते हमारे बच्चे पतन की ओर अग्रसित हो रहे हैं। स्वयंसेवी संस्था कृषि हरियाली समाज कल्याण समिति इस अपराध को रोकने हेतु बच्चों में सुरक्षा हेतु जागरूक कर रही है। संस्था प्रमुख MD शर्मा ने बताया कि बाल अपराधों की संख्या हमारे समाज के लिए माथे पर एक ऐसा कलंक है जिसे धुलने का प्रयास तुरंत करना चाहिए। जहां एक तरफ इसके लिए परिवार, माँ बाप सतर्क होने की ज़रूरत है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक स्तर पर भी इसके लिए अलग से कदम उठाने की आवश्यकता है। भारतीय संविधान में निहित वर्तमान कानून के अनुसार 16 वर्ष की आयु के बच्चे अगर कोई ऐसा कृत्य करें जो समाज और कानून की नज़र में अपराध है, तो ऐसे अपराधियों को बाल अपराधी की श्रेणी में रखा जाता है। यद्यपि निर्भया कांड में के बाद 16 साल की उम्र पर अनेक वाद विवाद हुए, ऐसा माना जाता है कि बाल्यावस्था और किशोरावस्था में व्यक्तित्व निर्माण तथा व्यवहार के निर्धारण में बच्चों को मिल रहे वातावरण का बहुत बड़ा हाथ होता है। वास्तव में बच्चों द्वारा किए गए अनुचित व्यवहार के लिए बालक स्वयं नहीं बल्कि उसकी परिस्थितियाँ उत्तरदायी होती हैं। इसी वजह से भारत समेत अनेक देशों में किशोर अपराधों के लिए अलग अलग कानून, न्यायालय व न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। इसमें ऐसे न्यायाधीशों और वकीलों की नियुक्ति की जाती है जो बाल मनोविज्ञान के जानकार होते हैं। बाल अपराधियों को दंड नहीं बल्कि उनकी केस हिस्ट्री को जानने और उनके वातावरण का अध्ययन करने के बाद उन्हें जेल की जगह सुधार गृह में रखा जाता है। उन्हें उनकी दूषित हो चुकी मानसिकता को सुधारने का प्रयत्न किए जाने के साथ उनके साथ उनके भीतर उपज रही नकारात्मक भावना को भी समाप्त करने की कोशिश की जाती है। ऐसे बच्चों के साथ दंडात्मक व्यवहार ना करते हुए उनका चुनाव करके उनकी नकारात्मकता को दूर करने का प्रयास किया जाता है। यदि गौर करें तो बाल अपराध मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, पहला सामाजिक होता है, दूसरा पारिवारिक होता है। यद्यपि पारिवारिक अपराधों के लिए किसी दंड की व्यवस्था भारतीय कानून में नहीं है, लेकिन फिर भी 16 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को अगर ऐसा कोई भी कार्य करते हैं जिसमें दुष्प्रभावों का सामना उनके परिवार को करना पड़ता है, तो वह बाल अपराधी ही माने जाते हैं। माता पिता की अनुमति के बिना घर से भाग जाना, उनके अपने पारिवारिक सदस्यों के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग करना, स्कूल से भाग जाना, ऐसी आदतों को अपनाना जो बच्चों के लिए हितकर ना हो, ना ही परिवार के लिए, परिवार के नियंत्रण में ना रहना। लेकिन अगर बच्चे ऐसी आदतों को अपनाएं जिससे समाज प्रभावित होता है, तो निश्चय ही उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। जैसे चोरी करना, लड़ाई झगड़ा करना, यौन अपराध, जुआ खेलना, शराब पीना, आपराधिक गुट या समूह में शामिल होना, ऐसी जगहों पर जाना जहां बच्चों का जाना पूर्ण रूप से वर्जित है, दुकानों में कोई सामान उठाना, किसी के प्रति भद्दी और अभद्र भाषा का प्रयोग करना, बाल अपराधों की बढ़ती संख्या देश व समाज के लिए लोग चिंतित हैं। अधिकतर मामले ऐसे भी हैं जहाँ बच्चे घरेलू तनाव के कारण अपराध कर देते हैं, और इसका एक कारण गरीबी और अशिक्षा भी है। बाल अपराधियों की संख्या गांव की अपेक्षा शहर में अधिक है। जहां तक इसके दंड की बात हो, तो कोर्ट ये मानता है कि इस उम्र के बच्चे अगर जल्दी बिगड़ते हैं और उन्हें अगर सुधारने का प्रयत्न किया जाता है, तो वह सुधर भी जल्दी जाते हैं। इसलिए उन्हें किशोर न्याय सुरक्षा और देखभाल अधिनियम 2020 के तहत सजा दी जाती है। इस अधिनियम के अंतर्गत बाल अपराधियों की कोई भी सख्त या कठोर सजा न देकर उनके शिक्षा और रोजगार की व्यवस्था करके सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया जाता है। उन्हें अनेक तरह की व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर उनके जीवन के लिए आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जाती है। समय के साथ साथ 2006 में बाल अपराधियों को सुधारने के उद्देश्य से बनाए गए अधिनियम में कुछ संशोधन किए गए हैं, जिसके अनुसार किसी भी बाल अपराधी का नाम, पहचान, उसकी निजी जानकारी सार्वजनिक करना एक दंडात्मक अपराध माना जाता है। ऐसा इसलिए भी किया गया है ताकि अतीत में उनके भविष्य को कोई नुकसान न पहुंचाए। भारतीय जीवन शैली में आए परिवर्तन, टीवी, मोबाइल, सोशल मीडिया आदि ने हमारे परिवार के संवाद में अभाव पैदा कर दिया है। कृषि हरियाली समाज कल्याण समिति बाल शोषण जागरूकता कार्यक्रम संचालित कर चुकी है, जिसके सहयोग कर रही स्वयंसेवी संस्थाओं को अनुदान के रूप में सहयोग भी कर रही है। साथ में संस्थानों, सरकार व शासन प्रशासन से उक्त कार्यक्रम इंडिया अगेंस्ट चाइल्ड एबूज में सहभागिता सुनिश्चित करने का अनुरोध भी कर रही है, ताकि देश व समाज में बाल अपराध को समाप्त किया जा सके।
भारतीय जीवन जीने की शैली में आए परिवर्तन, टीवी, मोबाइल और सोशल मीडिया आदि ने हमारे परिवार में संवाद का अभाव पैदा कर दिया है, जिससे हमारे बच्चों में छोटी मोटी समस्याओं के बारे में ना तो कोई जान पाते हैं और ना ही उनका हल निकालने की कोशिश करते हैं। वास्तव में आपसी बातचीत और पारिवारिक अपनेपन से अभिभावकों और बच्चों के बीच की दूरी तथा दरार को मिटाकर बच्चों के मन में आपराधिक भावना दूर की जा सकती है। हमें बच्चों को भारतीय परंपरा, रीत रिवाज, मालवीय मूल्यों और संवेदनाओं से जोड़े रखना होगा, तभी हम उन्हें भटकने से रोक पाएंगे और उनके बचपन को सुधार